हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड जो गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली का है, कड़कड़डूमा दिल्ली में, उसने 12 मई को एक वैकेंसी नोटिस निकाला है जिसमें ओपनिंग डेट है एप्लीकेशंस की 25 मई और क्लोजिंग डेट है 24 जून। मैं आपको इसकी वैकेंसीज के बारे में बताता हूँ। इस नोटिस में ज़्यादातर वैकेंसीज हैं ग्रेजुएट टीचर्स की, TGT ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स की, और अगर आप सीरियल 16 तरह की पोस्ट हैं। अगर आप सीरियल नंबर 12 देखेंगे तो उसमें पोस्ट हैं जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, जो लोअर डिवीजन क्लर्क का जो अब नाम है उसको इन्होंने चेंज कर दिया है जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट। इसकी इन्होंने 278 वैकेंसीज दिखा ली हैं टोटल, जिसमें कि आप देख रहे होंगे 114 वैकेंसीज जो हैं UR की हैं, 27 EWS की हैं, OBC की 75 हैं, SC की 41 हैं और ST की 21 हैं। ये जो वैकेंसीज हैं ये हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली में, और टू बी स्पेसिफिक साउथ दिल्ली वाले जो कॉरपोरेशन है उसमें है, और पोस्ट कोड नंबर जो है इसके सामने 44/21 दिया है, और जो फर्स्ट पेज पे है वो 43 दिया है। थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन है, आप भरते वक्त थोड़ा सा इस बारे में देख लीजिएगा। हम देखते हैं इसकी स्पेसिफिकेशंस क्या हैं। अब आप पोस्ट कोड देखिए, यहाँ पर 43 दिया हुआ है जबकि पिछले स्क्रीन में 44 दिया था। तो ये आप जब एप्लीकेशन ऑनलाइन भरेंगे तो थोड़ा केयरफुल रहिएगा, पोस्ट कोड में देख लीजिएगा। और इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज डिटेल में दी हुई हैं, आप देख रहे हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो है मैट्रिकुलेशन ऑब्लिक सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन, सीनियर सेकेंडरी नहीं है, सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बोर्ड और इक्विवेलेंट, मींस 10+2 नहीं है, मैट्रिकुलेशन है या सेकेंडरी लेवल है। नंबर 2 है एबिलिटी टू टाइप एट ए स्पीड ऑफ नॉट लेस देन 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी ऑन कंप्यूटर। एज लिमिट जो है इसमें दे रखी है 18-27 ईयर्स, और एज रिलैक्सेशन विल बी गिवन एज पर द टेबल एट पैरा 7, जो जिसको एप्लीकेबल होगी वो भी इन्होंने दी है। इसके एप्लीकेशंस जो हैं ऑनलाइन मोड से भरनी है सभी ने, और इंस्ट्रक्शंस भी दी हुई हैं इस बारे में, साइट का एड्रेस भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और एग्ज़ामिनेशन फ़ी की बात करें तो 100 रुपी है एग्ज़ामिनेशन फ़ी, लेकिन विमेन कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, PWD एंड एक्स सर्विसमैन कैटेगरी आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग एप्लीकेशन फ़ी। तो विमेन कैंडिडेट्स की और जो रिजर्व कैटेगरी जो मैंशन किए हैं SC ST, इनकी फीस नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन। द सिलेक्शन शैल बी मेड थ्रू 1-tier/2-tier एग्जामिनेशन स्कीम एंड स्किल टेस्ट वेयर एवर एप्लीकेबल। स्कीम इसमें पूरी दे रखी है इन्होंने एज पर कोड, जो भी एप्लीकेबल होगी उसमें होगा, उसका सिलेबस भी दिया हुआ है। 1 tier जो है उसका इन्होंने दिया है जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, ये एप्लीकेबल होगा इस पोस्ट के लिए। रिजर्वेशन बेनिफिट्स आप पढ़ लीजिएगा इन डिटेल, जो भी जिसको एप्लीकेबल हो, पहले भी जिसने DSSB के फॉर्म भरे हैं उनको सब पता है इस बारे में, वो इसमें डिटेल में पढ़ सकते हैं। उसके बाद इन्होंने जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए फॉर कैंडिडेट्स, आप प्लीज़ डिटेल में पढ़ लीजिएगा जो अभी एप्लीकेबल हो। मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ नोटिस का, और मैं ये कहना चाहूँगा इस बारे में कि जिनको एटलीस्ट फ़ी की वो नहीं है, फ़ी वैसे तो 100 रुपीज़ है, ज़्यादा नहीं है, और जिनके लिए एग्जेम्प्टेड है उनको तो वैसे भी फॉर्म भर देना चाहिए,
और 100 रुपी है तो भी भर देना चाहिए। अगर आप बाद में अपीयर होना चाहें नहीं होना चाहें वो आपकी चॉइस है, लेकिन फॉर्म आप बाद में नहीं भर सकते, इसीलिए 100 रुपीज़ देकर फॉर्म भर दीजिए। और जिनके लिए एग्जेम्प्टेड है वो तो ज़रूर भर दें, चाहे आप बाद में चांस अवेल करें ना करें, दैट इज़ अप टू यू। और बेनिफिट ये है कि ये दिल्ली में पोस्टिंग होगी, आप लोग तैयारी कर ही रहे होंगे स्टेनोग्राफी जॉब के लिए एग्ज़ाम की, सिर्फ आपको थोड़ा सा मैथ्स देखना पड़ेगा और आपको कम्पीट भी 10th लेवल से करना है, तो इतना वो नहीं है। मेरा पर्सनल सजेशन ये है कि आप अप्लाई ज़रूर कर दीजिए एटलीस्ट, और हो सके तो थोड़ा थोड़ा मैथ्स देख लीजिए, जिनको नहीं आता थोड़ी तैयारी कर लीजिए। और एक अपॉर्चुनिटी है, आप चाहें तो इसको अवेल कर सकते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।